उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा ऐलान, उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी अब खुश हो जाएं। यूपी के वो उभरते खिलाड़ी भी खुश हो जाएं जो स्पोर्ट्स को अपना करियर बनाने की चाहत रखते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने खिलाड़ियों को लेकर वो बड़ा ऐलान किया है जो वो न जाने कब से सुनने के इंतजार में बैठे थे। मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में योगी सरकार ने कई प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इस बैठक में कुल 13 प्रस्ताव पारित किए गए हैं, जिसमें से सबसे बड़ा फैसला हुआ है खिलाड़ियों को लेकर। यूपी में योगी मंत्रिमंडल ने फैसला किया है कि वो ऐसे खिलाड़ियों को जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के निवासी हों, उन्हें राजपत्रित अधिकारी या गेजेटेड ऑफिसर बनने का मौका दिया जाएगा। खबरों के मुताबिक इस फैसले के तहत प्रदेश के 9 विभागों में 24 राजपत्रित पदों पर खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति की जाएगी, लेकिन ये लाभ वही खिलाड़ी उठा पाएंगे जिन्होंने कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स और ओलंपिक्स में भाग लिया हो। ऐसे तमाम खिलाड़ी उत्तर प्रदेश शासन में राजपत्रित अधिकारी बनने के लिए आवेदन कर सकेंगे। ऐसे खिलाड़ियों को नायब तहसीलदार, DPRO, BSA, BDO और सहायक खेल अधिकारी आदि पदों पर नियुक्ति मिल सकेगी। यहाँ पर एक बात और जो बेहद खास है वो ये है कि इस तरह की नियुक्तियां उन्हीं खिलाड़ियों को मिल सकेंगी जिन्हें पदक 1 अक्टूबर 2020 के बाद मिला हो। गौरतलब है कि ये फैसला प्रदेश के खिलाड़ियों में और हौसला भरेगा। प्रदेश में खिलाड़ियों को बढ़ावा देने और उभरते खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिहाज से सरकार के इस फैसले को बड़ा कदम माना जा रहा है। इस तरह के फैसलों से प्रदेश में खेलों में अपना करियर बनाने वाले युवाओं की हौसला अफजाई होगी और उनमें अच्छा कर दिखाने की ललक भी मजबूत होगी। लिहाजा अब उत्तर प्रदेश में यही कहा जा रहा है कि अगर खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।